गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि बच्चा आपको पता है कल हम जो कर चुके थे लेट नेट आपका चल रहा है, माइनर के बारे में पढ़ चुके हैं। माइनर से जो अगला जो पॉइंट है वो आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर माइनर का ही एक रूप है लेकिन थोड़ा चेंजिंग, उसमें क्या चेंजिंग उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। देखिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोफैक्टर होता क्या है? कोफैक्टर का मतलब द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन ए डिटरमिनेंट, जिस प्रकार से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं उन एलिमेंट्स का, ऑफ ऑर्डर 2 into 2 ऑर्डर हो सकता है 3 into 3 ऑर्डर, इज माइनर ऑफ ए आई जे विद ए साइन -1 की पावर i+j एंड यूजली डिनोटेड बाय कोरस्पोंडिंग कैपिटल लेटर। प्रत्येक जो कोरस्पोंडिंग जो कैपिटल लेटर उसके साथ में हम यूज करेंगे इसको, डिनोटेड बाय, इसको तो डिनोटेड है यानी को फैक्टर जब आप निकालेंगे तो ए आई जे, आई आई का मतलब रोज, जे का मतलब कॉलम। देखिए दोबारा फिर मैं बताता हूँ भाई, सिर्फ जिस प्रकार से माइनर निकाल रहे थे माइनर के साथ में इस साइन का यूज होगा, नोट करें इसका क्या होगा यूज होगा बस, बाकी जिस प्रकार से आपने माइनर निकालना सीखा है वही चीज चल रही है। इसका यूज कैसे करेंगे ये बात आपने पता होनी चाहिए बस। दोबारा फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे आई रो जे कॉलम इन ए डिटरमिनेंट, उसका जिस हिसाब से डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, जैसे ऑर्डर आपका 3 into 3 ऑर्डर हो सकता है 2 into 2 ऑर्डर हो सकता है, इज ए माइनर ऑफ ए आई जे विद ए साइन, साइन यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कोफैक्टर में, -1 की पावर i+j, आई प्लस जे का मतलब जैसे 1 1 है तो -1 की पावर 1+1, 1 2 है अगर 1 2 का अगर हम निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 1+2, 1 3 है तो -1 की पावर 1+3, 2 1 निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 2+1, कहने का मतलब ये है। एंड यूजली डिनोटेड बाय कोरस्पोंडिंग कैपिटल लेटर, कोरस्पोंडिंग कैपिटल लेटर यानी जो आपका लेटर है वो किस प्रकार से डिनोटेड करते हैं, जैसे ए, ए के अंदर ये एलिमेंट दे दिया आपने, ये डिटरमिनेंट का निशान हो गया आपका, ये होता है आपका ध्यान दें ये होता है आपका मैट्रिक्स का, और जैसे ये पैरेलल जो लाइन हम खींच रहे हैं ठीक है ये कहलाता है आपका डिटरमिनेंट का, तो ये डिटरमिनेंट का निशान है, इसमें एलिमेंट दे दीजिए जिस प्रकार से आपके मैट्रिक्स में देते था a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये जनरल टर्म है a31 a32 a33, ये है जी आपकी 3 into 3 ऑर्डर। अब आप देखिए इसमें अगर आपने कोफैक्टर निकालना a11 इज ए कोफैक्टर, तो a11 बराबर का आंसर लगा के, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा था -1 की पावर i+j -1 की पावर r i का मतलब 1, j का मतलब 1, तो 1+1 -1 की पावर 1+1। अब वही चीज इस प्रकार से आप क्या निकाल रहे थे, माइनर निकाल रहे थे, माइनर यानी a11 निकालना है, तो वही चीज ये चीज चली गई आपकी जो इसके नीचे बैठे हैं और जो इसके दाएं बाएं बैठे हैं वो चीज चली गई, क्या बचे आपके a22 a23 a32 a33, डिटरमिनेंट का निशान a22 a23 a32 a33। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपने पता है -1 की पावर 1+1, -1 की पावर होगी 2, तो -1 की पावर अगर 2 होती है तो हो जाएगा प्लस का, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर -1 की पावर 3 हो जाती है यानी अगर -1 की पावर अगर आपकी ओड आती है, ओड का मतलब यानी विषम अगर संख्या आती है आपकी -1 की पावर, तो उससे आगे माइनस लग जाएगा, बस यही चीज चेंजिंग होगी माइनर में और कोफैक्टर के अंदर। अब आप देखेंगे इसके अंदर जैसे -1 की पावर 1+1, तो -1 की पावर 1+1 का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना जिस हिसाब से आपने माइनर के अंदर सोल्व करा था, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी ऊपर से नीचे a22 a33, नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो निशान किस चीज का लगता है आपने पता था माइनस का, a23 into a32 ये आ गया था ठीक है, a11 की वैल्यू आ गई। इसी के हिसाब से अगर अपने को निकालना है a12 a13 a21 a22 a23 a31, सभी निकलेंगे आपके, तो किस प्रकार से निकलेंगे ये बात है अभी आप ध्यान देंगे। देखिए
मैं ऊपर लिख देता हूं इनको, ये ए वन टू निकाला था, अब निकालने हम ए वन टू, ए वन टू निकाल रहे हैं तो इसके एलिमेंट चाहिए अपने को। देखिए ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए थ्री। देखिए अब आप देखें वन वन निकाल दिया, ए वन टू ए को फैक्टर क्या माइनस वन की पावर वन प्लस टू, यहाँ वही चीज। अब आपको पता है क्या, अब आ रहे हैं जब वन टू के ऊपर, वन टू के नीचे वाली जो चीज है उसको खा जाएगा ये, और जो इसके दाएं बाएं जो बैठे हैं वो खा जाएगा, तो क्या बच गया ए टू वन, ए टू ये चीज चली गई आपकी और ये चीज चली गई, क्या बच गया ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री, क्योंकि जो इसके नीचे बैठे उसको खा जाएगा, जो दाएं बाएं बैठे हैं उनको खा जाएगा। अब जो चीज बचेगी आपकी डिलीट कर देगा खाने का मतलब यही है, माइनस वन की पावर वन प्लस टू, माइनस वन की पावर वन प्लस टू यानी माइनस वन की पावर वन प्लस टू का मतलब माइनस वन की पावर आउट होगी, माइनस वन की पावर आउट होगी तो माइनस आ जाएगा अभी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाँच छः, ए टू वन, ए थ्री थ्री, माइनस क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ए थ्री वन, ए टू थ्री, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, अब ए वन टू निकल गया, अब इसी के हिसाब से हम ए वन थ्री इज को फैक्टर, तो माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, अब वन प्लस थ्री कहने का मीन, अब आप देखेंगे वन प्लस थ्री निकालना है, वन प्लस थ्री जब हम निकालेंगे तो आपको पता है क्या, यानी वन थ्री, वन थ्री ये हो गया, तो ये चीज चली गई कंप्लीट और ये चीज चली गई कंप्लीट, तो क्या बच गई, अब दूसरे बच गया ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू। जब इसको सोल्व करेंगे क्योंकि माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री यानी फोर हो गई, फोर हो गया आपकी सम, यानी इवन, इवन अगर है किसी की भी पावर माइनस वन की तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे निशान आपके चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इनके ऊपर से नीचे ए टू वन इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और ए थ्री टू नीचे से ऊपर जाएंगे तो निशान माइनस का आएगा, ए टू टू और ए थ्री वन, क्लियर है। अब इसी के हिसाब से निकालेंगे हम ए वन टू हो गया, वन थ्री हो गया, ए टू वन, ए टू वन ए को फैक्टर, अब इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो वही चीज है आपको पता है, बस इसका जी इसका निकालना, इसका निकालना तो इसके सामने जो बैठे हैं वो चले जाएंगे, इसके जो दाएं बाएं बैठे थे यानी ऊपर नीचे जो बैठे हैं वो चले जाएंगे, क्या क्या बच गया, अब जो चीज़ बच गई आपकी इसके अंदर माइनस वन की पावर टू प्लस वन, और ये आ गया जी आपका क्या, अब ये चीज़ चली गई, ये चीज़ चली गई, ये बच गया जी ए वन टू, ए वन थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, क्लियर है। जब इसको सोल्व करेंगे माइनस वन की पावर टू प्लस वन थ्री यानी ओड हो गया, ओड हो गया तो किसी का आंसर आएगा माइनस का, इस पूरे से आगे माइनस का आंसर आएगा, इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी ए वन टू और इन टू ए थ्री थ्री, नीचे से ऊपर जाएंगे तो किसी का आंसर आएगा माइनस का, माइनस ए थ्री टू और ए वन थ्री। अब इसी के हिसाब से आपका कौन सा निकलेगा, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन और ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, सभी इसी के हिसाब से चलेंगे, बस आपको तरीका समझ में आ जाएगा।
ठीक है जी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी है तो मेरे को बताओगे, या हो गया जी आपका को फैक्टर का। को फैक्टर किस प्रकार से, यानी जिस प्रकार से हमने माइनर निकाला, माइनर से आगे सिर्फ क्या लग जाना है, माइनस वन की पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे हर बार आगे लिखा जाता है, उसकी पावर लगा देंगे। तो उसकी पावर लगाने का मतलब, अगर पावर आपकी ऊपर आती है इवन तो आपका प्लस करेगा, अगर आपकी आ जाती ओड, ओड का मतलब वन प्लस टू आ गया जैसे, तो इससे आगे जब इसको सोल्व करेंगे इससे आगे किसी चीज का निशान आ जाए माइनस का। अब यहाँ किस चीज की आ गई आपकी, जैसे सम आ गई यानी वन प्लस थ्री, ठीक है जी, इवन होगी, इवन होगी तो माइनस वन की पावर फोर वो हमेशा ही यानी प्लस हो जाएगी, माइनस 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 माइनस, तो इससे आगे आपका निशान नहीं चेंज होगा। जिस हिसाब से माइनर निकालते थे इसकी इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाते तो माइनस का निशान आता है, इसकी यानी माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।